हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए मोटो ब्लॉग में। आप सभी भाइयों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज आप मोटो ब्लॉगिंग सेटअप या फिर मोटो ब्लॉगिंग इक्विपमेंट के बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे, तो आज का जो मतलब टॉपिक हमारा होने वाला है मोटो ब्लॉगिंग इक्विपमेंट और मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। हम आपसे बात करेंगे आज के इस टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, आइए अब इस बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आप मोटो ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों, जो उसमें सबसे पहला जो आपका सेटअप रहेगा और जो आपका मतलब आप कह सकते हैं जो आपका इक्विपमेंट रहेगा वो है दोस्तों एक बाइक। जैसा कि आप नाम से ही मतलब जानते हैं, मोटो ब्लॉगिंग मतलब मोटर पे हम सवार होकर के और जो ब्लॉग बनाएं हम उसे कहते हैं मोटो ब्लॉगिंग। आपके पास एक बाइक का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है अगर आप मोटो ब्लॉगिंग के मतलब फील्ड में आना चाहते हैं तो। लेकिन बहुत से लोगों का एक डाउट रहता है कि क्या उनके पास एक सुपर बाइक या फिर उनके पास एक स्पोर्ट्स बाइक या फिर उनके पास एक बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली या बहुत ही ज़्यादा कीमती बाइक होना आवश्यक है। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपके पास मतलब मोटो ब्लॉगिंग के लिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाइक या बहुत ही ज़्यादा सुपर बाइक या बहुत ज़्यादा और कॉस्टली बाइक का होना आवश्यक है। भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन आप एक स्प्लेंडर बाइक से भी आप मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। स्प्लेंडर बाइक तो मतलब आप छोड़िए, अगर आपके पास एक साइकिल भी है ना तो उससे भी आप मोटो ब्लॉगिंग आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी स्पोर्ट्स बाइक होती हैं, जो हमारी सुपर बाइक होती हैं, उनका बस एक ही प्लस पॉइंट रहता है और वो है कि वो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, उनका जो ध्यान है वो अपनी ओर एकदम खींच लेती हैं। बस दोस्तों, यही उन बाइक्स का बस ओनली प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि वो हमारे व्यूअर्स का ध्यान अपनी ओर एकदम आकर्षित कर लेती हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर आपके पास बहुत अच्छी बाइक होगी, बहुत कॉस्टली बाइक होगी या मतलब बहुत बड़ी बाइक होगी, तो सिंपल सी बात है, मतलब जहाँ भी लेकर के आप उसको जाएंगे सब लोग उसको देखेंगे। अब जो लोग उस बाइक को रियल में नहीं देख सकते हैं वो लोग आपके व्यूअर बन कर के उस बाइक को वो आपकी वीडियो में देखना चाहते हैं। तो बस यही एक प्लस पॉइंट होता है आपकी सुपर बाइक का। दूसरा जो हमारा इक्विपमेंट है वो है एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का ISI द्वारा एक प्रमाणित हेलमेट भी होना चाहेंगे। और इसके बारे में मैं आपसे मतलब थोड़ा सा मतलब कहना चाहूँगा कि चाहे आप मोटो ब्लॉगिंग ना भी करते हों, उसके बावजूद भी आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट होना चाहिए जो कि आपकी डेली लाइफ में हरदम काम आता रहेगा। अच्छी क्वालिटी का जो हेलमेट होता है वो हमें हमेशा बचाता है। मैं आपको अपनी राय देना चाहूँगा कि इसमें आप थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट करें और हो सके तो आप अच्छी क्वालिटी का हेलमेट आप बाय करें। अच्छी क्वालिटी का हेलमेट अगर रहेगा तो अगर हमारा एक्सीडेंट भी होता है तो जो हमारा मतलब हेड का पोर्शन होता है वो बहुत आसानी से सुरक्षित रह सकता है। नंबर तीन की मैं आपसे बात करूं तो वो आता है हमारा कैमरा। जी हाँ दोस्तों, आपके पास एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए और वो भी आपके पास एक एक्शन कैमरा होना चाहिए। और अगर आपके पास एक एक्शन कैमरा है तो उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन का जो इसमें ऑप्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आप बाइक पे चलेंगे तो आपकी स्पीड भी काफ़ी होगी और ऐसे में जब आपके उस कैमरे में इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन होगा तो वो जो है आपकी वीडियो बहुत कम शेक होगी और ज़्यादा आपकी वीडियो मतलब हिलेगी जुलेगी नहीं और बहुत अच्छा व्यू फिर आपके व्यूअर्स को मिलने वाला है। और आप कोशिश करना कि उस कैमरे में जो मतलब वाइड एंगल एरिया है वो कम से कम 180 मतलब डिग्री का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पोर्शन पे हम बहुत ही अच्छा व्यू कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपके पास कैमरा नहीं है और आप कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने फ़ोन से भी उस वीडियो को शूट कर सकते हैं।
हालांकि उसका कैमरा थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और अगर आपका कैमरा अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो आपका जो सामने का व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और आपके व्यूअर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। हमने तीन इक्विपमेंट की बात कर ली है, और जो हमारा मतलब चौथा गैजेट है वो हमारे पास होना चाहिए एक अच्छी क्वालिटी का माइक। हाँ दोस्तों, अगर हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी का माइक है और तो जो हमारी वॉइस क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हमारी बात बहुत अच्छे से मतलब समझ आएगी, और जब हमारी बात अच्छे से उनको समझ में आएगी तो फिर वो भी थोड़ा सा उस वीडियो में अपना एंगेजमेंट दिखाएंगे। अच्छी क्वालिटी के माइक के लिए मैं आपको राय देना चाहूँगा कि आप जो है मतलब बोया का माइक आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक है। तो अगर आप माइक भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो उसका भी ऑप्शन तुम्हारे भाई के पास है, तो उसके लिए आप एक ईयरफोन ले सकते हैं। थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का अगर ईयरफोन रहेगा तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा, और एक अच्छी क्वालिटी का आप ईयरफोन लेकर के आप इसमें लगा सकते हैं तो उसका व्यू बहुत ही अच्छा आने वाला है। अपने नेक्स्ट इक्विपमेंट की बात करें तो वो है हमारा कैमरा माउंट। जी हाँ दोस्तों, हमारा कैमरा माउंट थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कैमरा होगा या जो हमारा फ़ोन होगा वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने बहुत ही मतलब बेकार सा एक माउंट ले लिया और फिर वो रास्ते में जा कर के हमारा कैमरा गिर जाए या फिर हमारा फ़ोन गिर जाए तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे ना हो कि हमने सस्ती क्वालिटी के चक्कर में, कि हमने पैसा बचाने के चक्कर में हम कोई बेकार सा मतलब माउंट लेकर के आ जाएं और वो फिर हमें नुकसानदायक हो। जो हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है हमारा कैमरा होल्डर। हमें कैमरा होल्डर पहले से मतलब इंक्लूड होकर के आता है, लेकिन बहुत से माउंट ऐसे भी होते हैं कि उनमें कैमरा होल्डर हमें अलग से बाय करना पड़ता है। अगर आप एक ऐसा माउंट बाय कर रहे हैं जो कि मतलब कैमरा होल्डर के साथ नहीं आता है, तो आपको एक अलग से कैमरा होल्डर बाय करना पड़ेगा। और एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा होल्डर अगर आप लेते हैं जो कि आपके फ़ोन को वो थोड़ा सा अच्छे से मतलब ग्रैप कर सके, तो वो आपके लिए फिर अच्छा रहने वाला है। तो एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा होल्डर जो है वो आपके कैमरा को बचाएगा और वो अच्छे से होल्ड करेगा, तो आपका कैमरा कहीं नहीं गिरेगा, और इस तरह से आप एक भारी भरकम लॉस से आप बच सकते हैं। लास्ट जो सेटअप है दोस्तों, चाहें तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो रहने वाला है आपका एडिटिंग। जी हाँ, आप कितनी भी अच्छी वीडियो आप बना लें और कितनी भी अच्छी आप और आप कितना भी अच्छा आप क्वालिटी वाला कंटेंट आप दे दें, लेकिन अगर आपकी वीडियो ही बेकार बनी है, अगर आपकी वीडियो ही बेकार है, तो आप खुद सोचिए उस वीडियो को फिर मतलब कौन देखेगा। तो आपको इस पर भी काम करना है। वीडियो की स्किल को आप अच्छे से मतलब सीख लेते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आप जो है इस मोटो ब्लॉगिंग की फील्ड में फिर आप राज करने वाले हैं। दोस्तों आप खुद ही सोचिएगा, आपकी वीडियो आपने बहुत अच्छी बनाई है। अच्छी बनाई का मतलब है आपने शूट जो किया है अपनी वीडियो को बहुत अच्छे से किया शूट, और फिर आपने उसमें अपने क्वालिटी आपने मतलब क्वालिटी वाला कंटेंट दिया है, ठीक है, सब कुछ आपका अच्छा है, लेकिन अगर आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं है तो जो भी आपने मेहनत की है वो आपकी सब बेकार हो जाती है। तो मैं आपको राय दूंगा कि आप थोड़ा सा आप वीडियो स्किल पे भी आप काम करें, और अगर आपकी वीडियो स्किल अच्छी होती है तो आप अपनी बेकार से बेकार वीडियो में भी जान डाल सकते हैं और आप अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हीरो बन सकते हैं। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, एक कहावत है कि जो दिखता है भाइयों मतलब वही बिकता है। जी हाँ, मैं मानता हूँ जो दिखता है
जो दिखता है वही बिकता है। तो इसलिए हमें ऐसे ऐसे थंबनेल्स बनाने होंगे, ऐसी ऐसी माइंड कैप्चरिंग करनी होगी अपने व्यूअर्स की, जो वो आकर के आपकी वीडियो पर रुकें और आपको उन्हें मजबूर करना होगा कि वो आकर के आपकी वीडियो पर क्लिक करें और आपकी वीडियो को मतलब पूरा देख करके जाएं। तो ये सब जो है दोस्तों ओनली वीडियो एडिटिंग की वजह से ही ओनली पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि वीडियो एडिटिंग एक ऐसा है जो सबसे पहले इम्प्रेशन छोड़ने वाली है, क्योंकि जब तक वीडियो एडिटिंग अपने इम्प्रेशन नहीं मतलब छोड़ेगी तो आप कैसे वाला अपनी वीडियोज पे लोगों से क्लिक करवा सकते हैं। सबसे फर्स्ट का जो इक्विपमेंट है वो है हमारे सेफ्टी गियर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और आप इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं तो आप इस इक्विपमेंट को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपके शूज होते हैं और आपकी जैकेट होती है, आपकी पेंट होती है और आपके हैंड ग्लव्स होते हैं, तो इस तरह से वो मतलब पूरी एक सेफ्टी किट आती है, वो भी आपको बाय करनी होगी। तो अगर ये सेफ्टी किट आप लेते हैं तो आप एक प्रोफेशनली मतलब जो मतलब मोटो ब्लॉगर हैं ऐसा फिर आप दिखाई देते हैं। इस तरह से दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने आपको बताया कि मोटो ब्लॉगिंग इक्विपमेंट कौन कौन से हैं और मतलब मोटो ब्लॉगिंग का जो आपका सेटअप है वो मतलब वो उसमें आप मतलब क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन तमाम सारी टॉपिक्स पे आज हमने आपसे बात की। आज के ब्लॉग्स में बस इतना ही और आपका बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।